इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड सलमा एंड सॉरी रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मंदीप इज सिक्स मीटर वट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मंदीप ये आपको फाइंड करना है तो अब हम देखें हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है रेशमा है यहाँ सलमा और यहाँ पर मंदीप ठीक है ये एक सर्कल के किनारों पर बैठी है ठीक है और हमें क्या गिवन है कि रेडियस जो है सर्कल की वो फाइव सेंटीमीटर है मींस दिस इज फाइव मीटर रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा एंड सलमा टू मंदीप देन मंदीप टू रेशमा डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड सलमा एंड मंदीप इज सिक्स मीटर यानी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आपको सिक्स मीटर गिवन है और इन दोनों के बीच में भी सिक्स मीटर गिवन है यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मंदीप इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हमें ये लेंथ निकालनी है तो ये है हमारा सेंटर ऑफ सर्कल ओ हम इसे भी ज्वाइन कर लेते हैं ओ आर और ओ एम को ज्वाइन कर लेते हैं ये हो जाएगा और इस पॉइंट को लेट कर लेते हैं सपोज ये पॉइंट मैं P लेट कर लेती हूँ ठीक है ओ आर ओ एम ओ एस ये तीनों क्या होंगी फाइव मीटर होंगी बिकॉज ये रेडियस ऑफ सर्कल है ठीक है तो अब हम क्या लेंगे हमें निकालना है रेशमा टू मनदीप का डिस्टेंस मैं ओपी डिस्टेंस को लेट कर लेती हूं X इसे X लेट कर लेती हूँ क्योंकि ओ एस जो है वो फाइव मीटर है तो PS मेरे पास हो जाएगा 5 माइनस x ठीक है अब ट्रायंगल ORS और OMS को देखें अगर इन ट्रायंगल ORS एंड ट्रायंगल OMS OS कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में OS is equals to OS OR जो है वो OM के इक्वल है रेडियल ऑफ सर्कल है और आपके पास क्या है आर एस और एम एस विल बी इक्वल बिकॉज बोथ हमें सिक्स मीटर गिवन है तो यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए ओ आर एस कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ एम एस बाय एस 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 तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स तो एंगल एंगल बाय ठीक है अब ओ आर पी और ओ एम पी को कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ओ आर पी एंड ट्राइंगल ओ एम पी तो इनमें ओपी कॉमन ओपी इज इक्वल टू ओपी कॉमन ओ आर इज इक्वल टू ओ एम रेडियाई ऑफ सर्कल हमें गिवन है और अभी हमने प्रूव किया कि ये दोनों एंगल भी इक्वल है इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉनग्रीट प्रूव कर रहे हैं तो आर ओ be बी इक्वल टू ROP पी आर ओ पी इक्वल टू ठीक है अभी ऊपर प्रूव किया तो यानी कि ट्राइंगल ओ आरपी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ एम पी के बाय और अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए ट्राइंगल्स तो आरपी विलवल्स टू पी एम बाय सी पी सी टी अब हम देखे की आरपी और पीएम इक्वल हो गए और ये कहाँ से सेंटर ऑफ सर्कल से पास कर रहे हैं और आर एम क्या है कोड ऑफ सर्कल है तो यानी सेंटर ऑफ सर्कल अगर बायसेक्ट करता है सेंटर से जो लाइन आ रही है ये बायसेक्ट करती है कोड को तो ये क्या होती है प्रिपेंडिकुलर होती है इस कोड के यानी कि ओपी विल बी प्रपेंडिकुलर टू आर एम ठीक है ओपी इज प्रिपेंडिकुलर टू आर एम बिकॉज कोड बायसेक् द रेडियस तो इसलिए वो उसके परपेंडिकुलर होगी अब अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो हम देखते हैं अगर ट्राइंगल ओ आर पी को तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा ओ आर पी तो इसपे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं तो इन ट्राइंगल ओ आर पी पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इस पर तो आपके पास क्या आ जाएगा ओ का स्केयर इज इक्वल्स टू आर पी प्लस ओ पी स्केयर ओ इज इक्वल्स टू आर पी प्लस ओ पी अब हमें ओ कितना गिवन है ओ इज गिवन है फाइव मीटर और ओ पी एक्स लेट किया है हमने तो ये फाइव हो जाएगा आर का स्केयर प्लस एक्स का स्केयर यानी यहां से आप लिख सकते हो कि आर पी स्क्र इज इक्वल टू ट्वेंटी अब अगर मैं इस ट्राइंगल के ऊपर लगाऊं ओ आर एस के ऊपर पाइथागोरस पाइथोग्राइंगल पी आर एस पे लगाएंगे जो नीचे ट्राइंगल है तो इसमें क्या हो जाएगा ये नाइन्टी डिग्री का है तो आर एस हाईपोर्ट हो जाएगा इन ट्राइंगल पी आर एस आपके पास क्या हो जाएगा पी आर एस में आर एस इज हाईपोटन का स्केयर जो होगा परपेंडिकुलर प्लस बेस के square के इक्वल होगा तो पी आर स्क प्लस पीएस स्केयर अब आर एस क्या है हमारा रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस दैट इज सिक्स गिवन है हमें और ये कितना है पीएस अभी हमने यहाँ लिखा था फाइव माइनस एक्स है ये हो जाएगा आपका सिक्स पी आर कितना आया हमारे पास फाइव माइनस एक्स अभी हमने लिखा प्लस पीएस का स्क्र हो गया ये दिस सॉरी का हमारे पास फाइव माइनस एक्स हो जाएगा और आरपी का स्क्वेयर आरपी का स्क्वेयर हमने लिखा ट्वेंटी फाइव माइनस एक्स स्क्र अभी निकाला वो हमने यहाँ पुट कर दिया और पी एस जो है दाइव माइनस एक्स है PS की लेंथ तो ये हो जाएगा फाइव माइनस एक्स का होल है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा सॉरी ये हमारे पास कितना हो जाएगा टू ए बी होता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस टू ए बी तो ये टू फाइव टेन एक्स आएगा तो अब ये कितना आ गया टेन एक्स इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपके पास फिफ्टी और ये से थर्टी आके माइनस x की वैल्यू आपके पास आ गई अब अगर एक्स की वैल्यू आई है तो मैं RP की वैल्यू निकाल सकती हूँ इट एम्प्लाइज दैट आर पी कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव माइनस एक्स है, तो ये हो जाएगा ट्वेंटी तो ट्वेंटी आ जाएगा ट्वेंटी थ्री पॉइंट जीरो फोर तो आर पी का स्क्वायर आ गया ट्वेंटी थ्री पॉइंट जीरो फोर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आर पी आ जाएगा हमारे पास फोर पॉइंट एट मीटर अब आपको निकालना क्या है हमें निकालना था आर एम और हमें पता है आर पी इज इक्वल टू पी एम यानी कि आर एम इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर पी होगा टू ट्वाइस ऑफ आर पी यानि कि टू इंटू फोर पॉइंट एट टू नाइन पॉइंट सिक्स मीटर तो यही डिस्टेंस आपको निकालना था रेशमा और मंदीप के बीच में दैट इज नाइन पॉइंट सिक्स थैंक यू क्लास सिक्स से ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा हो सकता आज डाउनलोड करें डाउट ने या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर